जाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, जपते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, राधे राधे जपते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा 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 श्याम ना दूर रहे तू मुझसे, ना दूर रहूं मैं तुझसे, ना दूर रहे तू मुझसे, ना दूर रहूं मैं तुझसे, सब नजराने ले लूं, मैं सोच रहा हूं अपना घर बरसाने में ले लूं, जब खोलूं घर का द्वारा, जब खोलूं घर का द्वारा, हो जाए दर्श तुम्हारा, हो जाए दर्श तुम्हारा, सुन मीठी मीठी वाणी जब जाए नाम पुकारा, सुन मीठी मीठी वाणी जब जाए नाम पुकारा, जो बने तुम्हारी खातिर, जो बने तुम्हारी खातिर वो सब खाने में ले लो, मैं सोच रहा हूँ अपना घर बरसाने में ले लो,
सच बात कहूँ मैं मन की, ना चाह रही अनधन की, रहूं तुम्हारी शरण में कन्हैया एक आस यही जीवन की, तेरी चरण पादुका अपने, तेरी चरण पादुका अपने सिरहाने में ले लूं। मैं सोच रहा हूँ अपना घर बरसाने में ले लूं, करता दिल तो हमारा तुम्हीं पे मरता। घर जाने को दिल नहीं करता, दिल तो हमारा तुम्हीं पे मरता। तुम पर हमारा मोहन हक हो गया, तुम पर हमारा मोहन हक हो गया। बंसी तुम्हारी से इश्क हो गया, बंसी तुम्हारी से इश्क हो गया। जैसी हंसी तुम्हारी मोहन देखी कहीं मुस्कान नहीं, जैसी हंसी तुम्हारी मोहन देखी कहीं मुस्कान नहीं। तुम्हें सामने रहे देखते और कोई अरमान नहीं, तुम्हें सामने रहे देखते और कोई अरमान नहीं। अब ये मामला यहाँ तक हो गया, अब ये मामला यहाँ तक हो गया। बंसी तुम्हारी से इश्क हो गया, बंसी तुम्हारी से इश्क हो गया। आंखें मलते उठे सवेरे राधा कोई पुकारे है, आंखें मलते उठे सवेरे राधा कोई पुकारे है। दौड़ी दौड़ी मिलने आई मोहन नदी किनारे है, दौड़ी दौड़ी मिलने आई मोहन नदी किनारे है। माटी सा ये जीवन यूं कनक हो गया, माटी सा ये जीवन यूं कनक हो गया। बंसी तुम्हारी से इश्क हो गया, बंसी तुम्हारी से इश्क हो गया।
की कलियां कमल फूल सी तुमने ही महकाई है। मन की कलियां कमल फूल सी तुमने ही महकाई है। इश्क के अंगना में ओ मोहन प्रेम की बदरी छाई है। रश्क हो गया प्रेम व इश्क में रश्क हो गया। बंसी तुम्हारी से इश्क हो गया। बंसी तुम्हारी से इश्क हो गया। घर जाने को दिल नहीं करता। दिल तो हमारा पे मरता। मर्जी का मैं हूँ गुलाम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। बांसुरी वाले श्याम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। बांसुरी वाले श्याम चाहते अपने भक्तों की बिगड़ी बनाते। बड़ा पावन बड़ा पावन प्रभु तेरा नाम। बांसुरी वाले श्याम घड़ी में जब भक्त पुकारे दौड़े चले आते मेरे श्याम प्यारे। रात दिन हो श्याम मेरे श्याम। रात दिन हो सुबह हो या शाम बांसुरी वाले श्याम। तेरी महिमा बखाने पर तेरी माया प्रभु तू ही जाने। रवि करता रवि करता तेरा गुणगान। बांसुरी वाले श्याम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम।
जय जय श्री श्याम। भक्त जनों, मुरली वाले श्याम के दीवाने वैसे तो दुनिया के कोने कोने में हैं, मगर रसखान की गिनती कुछ खास कृष्ण भक्तों में होती है। मुसलमान होते हुए भी रसखान भगवान कृष्ण के परम भक्त बने। 1558 ईस्वी में दिल्ली में जन्मे सैयद इब्राहिम खान कृष्ण भक्ति के कारण कवि रसखान के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज इस पूरी कथा में हम आपको बताएंगे कि सैयद इब्राहिम खान आखिर कवि रसखान कैसे बने। एक दिन खान साहब पान खाने एक पनवाड़ी की दुकान पर जाते हैं। दुकान पे उनकी नज़र बाल कृष्ण की मूर्ति पर पड़ती है। खान साहब ने पान वाले से पूछा कि भाई, ये प्यारा सा बालक कौन है? इसका इतना सुंदर शरीर है मगर पैरों में जूते नहीं है। पनवाड़ी ने बोला, खान साहब, इसका नाम श्याम है, और अगर आपको इसकी इतनी ही फिक्र है तो इसके जूते आप ही बनवा के ले आओ ना। खान साहब अगले ही दिन श्याम के लिए चरण पादुका बनवा कर और पान वाले के पास जाकर उससे पूछते हैं, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा पान वाले ने देखा कि रसखान तो चरण पादुका लेकर आ गया। तब पान वाले ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए रसखान से कहा, देखो भाई, ये नन्हा बालक कहाँ रहता है मुझे नहीं पता, तुम किसी और से पूछो। उसके बाद अपने दिल में श्याम की सूरत बसाए रसखान हर किसी से पूछने लगते हैं, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है, नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांधे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, बांधे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, जब प्रभु कृष्ण ने देखा कि रसखान उनको ढूंढ रहा है और वो भी बाल रूप में, तब प्रभु कृष्ण ने सोचा कि रसखान तो मुझे पहचान भी नहीं पाएगा, और प्रभु कृष्ण एक साधारण व्यक्ति का वेश बनाकर रसखान के पास आए और उनकी सारी बातें सुनकर उनसे कहने लगे, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, वो है बांके
कहीं वो श्याम कहता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके, और कई है धाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, के वेश में कृष्ण जी रसखान को वृंदावन आने की बात कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रसखान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। रसखान एक पल की भी देरी किए बिना वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं। पैदल चलते चलते थक हार कर रसखान जी वृंदावन पहुंचते हैं। बिखरे बाल, सूखा चेहरा, थका बदन, रसखान की हालत पागलों जैसी हो गई थी। रसखान जी अन्य समुदाय के थे, इसलिए उनको पुजारियों ने मंदिर में आने से मना कर दिया। श्याम मिलन को व्याकुल, रसखान जी रो पड़े। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, श्याम से मिलने दो मुझे, बहुत है काम जरूरी। मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा, कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, साहब को मन में विश्वास था कि श्याम उनसे जरूर मिलेंगे। और इसी विश्वास में खान साहब मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर रात भर बैठे रहे। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए, चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए। झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर तो कदमों में ही बैठा नन्हा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, आ
श्याम की जैसी छवि भक्त रसखान ने अपने हृदय में बसा रखी थी, ठीक वैसी ही छवि का बालक श्याम रसखान की गोद में बैठा था। रसखान मानो खुशी से पागल हुए जा रहे थे, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, पादुका पहनाने को पांव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया, कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पांव, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, साहब ने जब देखा कि श्याम के पांव घायल हुए पड़े हैं, तब खान साहब रो रो कर श्याम से कहने लगे, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पग में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा, तब प्रभु कृष्ण उनसे कहने लगे, छवि जैसी तू मेरी बसा के दिल में लाया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया, गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया तेरे लिए ब्रज धाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, और भक्त का ऐसा अद्भुत मिलन शायद ही कभी देखने को मिले। और वो कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। कन्हैया ने रसखान से कहा कि हे मेरे परम भक्त, आपने मुझे बाल रूप में खाली पांव देखा था, इसलिए मैं गोकुल से वृंदावन पैदल चलकर आया हूं, ताकि आपसे चरण पादुका लेकर मैं पहन सकूं। श्याम की बातें सुनकर कवि वो हुआ दीवाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना, श्याम मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना, तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही आज से ठान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही आज से ठान लिया है, श्याम प्रेम रस बरसा ऐसा, श्याम प्रेम रस बरसा ऐसा,
खान बनारस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ